नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्साटाइल वर्षा में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको ठीक से समझ में आ पाए। तो आज हम इस पैंट की, इस एक्सेल साइज की पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आप सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लें, जिस तरीके से मैंने इसको बिछा कर रखा है इसी तरीके से आप भी डबल फोल्ड कर लें। अब ऊपर से नीचे की तरफ लेंथ ले लें, लेंथ है हमारी 37 इंच, तो 37 इंच पर मार्क कर लेंगे। और नीचे की तरफ 37 से दो ढाई इंच हम नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने 39.5 इंच पर निशान लगाया है, और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए जो हमने ढाई इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये फोल्ड करने के लिए हमने लिया है। अब हम लेंगे वेस्ट का नाप। तो वेस्ट का नाप जो है हमें हिप के मेज़रमेंट के हिसाब से लेना है, तो हिप है हमारा 41.5 इंच, तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 10.5 हमारा यहाँ पर हिप आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। उसमें हम 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे, तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम क्रॉच की लेंथ लेंगे इस तरीके से, इंच टेप को 1.5 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे, तो इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, तो ये टोटल 12 इंच आएगा। इस निशान को सीधा कर लेंगे। क्रॉच लेंथ को हमें लेना है 12 इंच, तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच हम ऊपर बेल्ट का छोड़ देंगे, उसके बाद हम जो भी निशान आएगा वो भी हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 10.5 आ रहा है, तो हमने 10.5 पर लगाया है। यहाँ पर इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉच की गोलाई दे देंगे, यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ पर क्रॉच की गोलाई दे देंगे इस तरीके से, यहाँ पर क्रॉच की गोलाई दे देना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मेज़र कर लेंगे ये कितना है। यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, फिर इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब इधर साइड से हम इस निशान को नाप लेंगे, यहाँ पर आ रहा है 7 इंच, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 इंच आ रहा है जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे सेंटर पर एक। अब इस निशान के दोनों साइड हमें 3-3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमारी मोरी है 6 इंच की, तो यहाँ पर 3 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोनों साइड 3-3 इंच पर। अब हम कर्व स्केल लेंगे और कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे। कर्व स्केल का जो कर्व है वो हमारी अपनी तरफ है, तो इसको इस तरीके से रखते हुए सीधा एक निशान लगा लेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरीके से हमें निशान लगाना है यहाँ पर। अब स्केल हमारा इस तरीके से था, अब स्केल को सीधा सिंपल इस तरीके से पलट कर उधर साइड कर लेंगे, और इसी तरीके से हम इधर साइड भी निशान लगा लेंगे यहाँ पर। आई होप आपको निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हों। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और ये हमारी पैंट का पूरा मार्किंग हो गया है। अब इन्हीं मार्क पे हम कटिंग कर लेंगे, जहाँ पर हमने मार्क किया था यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इस पर अभी सिलाई मार्जिन का कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। अब हम बैक पार्ट पे हम सिलाई मार्जिन का जो भी हमारा साइड में सिलाई के लिए मार्जिन हम छोड़ते हैं, वो हमारा बैक पार्ट के लिए आएगा, बैक पार्ट पर आएगा। तो हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। नीचे वाला कपड़ा भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है, अब इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, फ्रंट पार्ट को इस डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर रखेंगे। ऊपर साइड से हमें 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट के लिए। अब जिस तरफ से हमारी क्रॉच लेंथ है उस तरफ से हमें 2.5-2.5 इंच बढ़ा लेना है, यहाँ से हम 2.5 इंच बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी हम 2.5 इंच बढ़ा लेंगे इस तरीके से। हमने पहले ऊपर 2.5 इंच लिया है, फिर 2.5 इंच थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। अब यहाँ से इसको यहाँ नीचे मिला लेंगे, तिरछे में हमें इसे मिलाना है इस तरीके से, यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ पर भी हम 2.5 इंच आगे बढ़ा लेंगे, इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इस निशान को यहाँ क्रॉच के बराबर मिला लेंगे,
जहाँ पर हमारा फ्रंट के पल्ले की क्रॉच आ रहा है वहाँ पर हम इसे मिला लेंगे और यहाँ पर गोलाई दे देंगे, क्रॉच लेंथ की गोलाई दे देंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच बढ़ा लेंगे, मोरी से भी हम 2.5 इंच बढ़ा लेंगे। इधर साइड से ये सेम रहेगा, इधर साइड से हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, मार्जिन हमें सिर्फ उधर साइड से ही लेना है। यहाँ से भी हमने 2.5 इंच रखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे और जैसे हमने फ्रंट पल्ले पर हमने क्रॉच लेंथ की नीचे क्रॉच के इससे स्केल से हमने गोलाई दी थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दे देंगे। कर्व स्केल से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग कर लेना है, आप देख सकते हैं उधर साइड से ये हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ से हम बराबर ही इसे कट कर लेंगे। जो फोल्डेड साइड है यहाँ पर हम बंद कर लेंगे इसे, यहाँ पर कट कर लेंगे, फोल्ड है जहाँ पर। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब बारी है सिलाई की, इनको उल्टा कर लेंगे क्योंकि मैं सीधे साइड से आपको निशान लगाकर दिखा रही थी, तो आप इनको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सीधा रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। अब हमने ये म्यानी काटी है तो म्यानी को हम इस तरीके से यहाँ पर घुमाते हुए रखेंगे क्योंकि जो जिनका साइज़ थोड़ा हैवी होता है उनको म्यानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तो यहाँ पर हम ये म्यानी लगाएंगे ताकि पैंट आसानी से उनको आ जाए, उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम सिलाई मशीन पे आ गए हैं, इसको इस तरीके से अलग कर लेंगे, एक पीस इसमें से अलग कर लेंगे। यहाँ पर म्यानी को इस तरीके से रखेंगे ऐसे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ध्यान रहे हम सिलाई डबल सिलाई यहाँ पर लगाएंगे म्यानी के ऊपर, डबल सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने म्यानी को अटैच कर लिया है। अब इसी में का दूसरा पार्ट हम उठाएंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ तक पहले हमें सीधी सिलाई लगानी है, यहाँ से लॉक कर लेंगे सिलाई को, फिर यहाँ पर यहाँ तक सीधी सिलाई हमें लगानी है। इस तरीके से इसको रखेंगे और म्यानी के दूसरे साइड हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे इसको बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक बार यहाँ पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम बैक पार्ट पर भी म्यानी को अटैच कर लेंगे, डबल सिलाई लगाकर हमें अटैच करना है। इस तरीके से अब हम इन दोनों पार्ट्स को रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर सीधा रखेंगे और इसको इस तरीके से बराबर मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाएंगे। इस तरफ भी हम इसी सिलाई ऐसे ही लगा लेंगे, ऊपर से नीचे तक यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है दोनों साइड। अब हमें मोरी फोल्ड करना है। मोरी फोल्ड करने के लिए हम 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेंगे ऐसे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारा हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों मोरी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार करनी है। आप देख सकते हैं मोरी को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें इसको बराबर मिलाते हुए रखना है और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए नीचे तक आना है दोनों साइड। ध्यान रहे म्यानी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया है, सेंटर पे हमने सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लिया है। अब हम लगाएंगे बेल्ट, तो हम पैंट को इस तरीके से बराबर से रखेंगे ऐसे, इसको इस तरीके से रखना है। उसके बाद हम इंच टेप से यहाँ नापेंगे ऐसे,
तो ये आ रहा है 24 इंच, 24 को डबल करेंगे तो आएगा 48 इंच, तो यहाँ पर 48 इंच आ रहा है। तो हमें कपड़ा चाहिए 49 इंच का, तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे, इसको नापेंगे तो ये 24.5 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं हाफ इंच हमारा मार्जिन, सिलाई मार्जिन के लिए हमें चाहिए होगा। तो 24.5 इंच का हमने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच, इस कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, फ्रंट से हमें इसे लगाना स्टार्ट करना है, जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है क्रॉच लेंथ की, यहाँ से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच की दूरी से हमें सिलाई लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से राउंड में सिलाई लगाते हुए आएंगे। यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे, उसके बाद पूरा इसको सिल देंगे यहाँ पर ऐसे। अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, खोलेंगे और इसको जो ये सिलाई है, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी दो प्लेट्स डाल ली थी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने ऊंचाई थी, तो यहाँ पर कवर करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से हमने प्लेट्स डाली हैं। अब इसको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे बेल्ट को, और इसके ऊपर रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इतना सा हमें ओपन रखना है, सिलाई लगा कर आएंगे और यहाँ पर इतना ओपन रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलास्टिक डालने के लिए इतना ओपन रखेंगे। ये हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है। अब हम लेंगे ये इलास्टिक, इलास्टिक मैंने 29 इंच की ली है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। सेफ्टी पिन की मदद से हम इस इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। ये इलास्टिक हमने इसके अंदर डाल लिया है, और इलास्टिक को भी हमने जहाँ पर जोड़ था वहाँ पर सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है। जहाँ पर ओपन साइड है वहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। और अब हमारा पैंट बनकर ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको क्रॉच लेंथ दिखा देती हूँ, 12 हमारा क्रॉच लेंथ था, तो यहाँ पर ये 12 इंच ही आ रहा है। तो इस तरीके से ईज़िली हम ट्राउज़र बना सकते हैं। ये मैंने नाइट सूट का ट्राउज़र बनाया है, और इसी के साथ मैंने एक कुर्ती भी बनाई है, उसका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।